पंजाब में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी और आपके सीएम भगवंत मान फुल एक्शन में हैं। एक के बाद बदलते दिन के साथ नए नए फैसले ले रहे हैं, चाहे विधायकों के वन टाउन वन पेंशन की बात हो या फिर राशन की होम डिलीवरी का। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ पहुंचकर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जिसने सीएम मान को मुश्किल में डाल दिया है। शाह ने ऐसा क्या किया कि आम आदमी पार्टी की परेशानी बढ़ गई, वो अमित शाह के इस ऐलान से समझिए। आज से चंडीगढ़ प्रशासन के सभी कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को केंद्रीय सिविल सेवाओं के साथ जोड़ने का निर्णय। गृह मंत्री अमित शाह के इसी बयान से पंजाब से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में प्रशासन के कर्मचारियों की सभी सेवाएं केंद्र के अनुरूप करने का ऐलान कर दिया है, यानी राज्यों का अब इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा, जैसा कि दिल्ली में होता आया है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। चंडीगढ़ को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब सरकार को रास नहीं आया। चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्रीय नियम लागू होने के ऐलान पर पंजाब सरकार ने मोर्चा खोल दिया। सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब इसे स्वीकार नहीं करेगा, हम पंजाब के हक के लिए मजबूती से लड़ेंगे। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी के बढ़े दायरे से बीजेपी डर गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ दौरे में घोषणा की थी कि अब चंडीगढ़ के 23,000 कर्मचारियों पर सेंट्रल सर्विस रूल्स लागू होंगे, इसका नोटिफिकेशन जल्द हो जाएगा। आज से चंडीगढ़ प्रशासन के सभी कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को केंद्रीय सिविल सेवाओं के साथ जोड़ने का निर्णय, इससे बहुत बड़ा फायदा आप लोगों को होने वाला है। बहुत समय से ये मांग चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारी अधिकारियों की थी, आज मोदी जी ने ये बहुत बड़ा फैसला दिया है। कल ही इसका नोटिफिकेशन निकल जाएगा और आप लोगों को नए महीने से, नए फाइनेंशियल ईयर से इसका फायदा मिल जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, नया नियम लागू होने से कर्मचारियों को बहुत फायदा होगा। रिटायरमेंट की एज बढ़ जाएगी, सैलरी में इजाफा होगा, केंद्रीय कर्मचारियों को दी जाने वाली सारी फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन आपका सवाल ये है कि ये सब कुछ अब क्यों हो रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 2017 से 2022 तक पंजाब में कांग्रेस का राज रहा, केंद्र ने तब चंडीगढ़ के अधिकार नहीं लिए, लेकिन जैसे ही पंजाब में आपकी सरकार आई तो चंडीगढ़ के कर्मचारी को केंद्रीय नियमों के अधीन कर लिया गया। कुल मिलाकर केंद्र के इस फैसले को चंडीगढ़ के कर्मचारी सौगात बता रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी दखल अंदाजी। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।